दोस्तों आज भी जब बात आती है रसिंग की, तो आज भी जो वुकोंग कैरेक्टर है वो काफी यूजफुल कैरेक्टर निकल कर आता है, जिससे आप लोग काफी इजीली 1v2, 1v3 या फिर 1v4 क्लचेस को निकाल सकते हो। और ना सिर्फ रसिंग के लिए, आप इसको एज अ ऑलराउंडर या फिर एज अ सपोर्टर भी यूज कर सकते हो। इसलिए गाइस आज मैं आपको वुकोंग कैरेक्टर का एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार चार बैच कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं। बट कॉम्बिनेशन के बारे में जानने से पहले गाइस आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हो, तो ऐसे और भी कमाल के कॉम्बिनेशन वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, सो अब अगर हम स्टार्ट करें वीडियो को और बात करें हमारे फर्स्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, जो कि होने वाला है एक रसर कॉम्बिनेशन। तो इस वाले कॉम्बिनेशन के अंदर आपको सबसे पहले यूज करना है वुकोंग के साथ हयातो की एबिलिटी को, जो कि बेसिकली इनडायरेक्टली आपके डैमेज को इंक्रीज करने वाला है। तो बेसिकली जब भी आप लोग किसी एनिमी को डैमेज दोगे, तो उसके हेलमेट और वेस्ट का जो पेनिट्रेशन है वो 5% बढ़ जाएगा, मतलब कि इनडायरेक्टली उसके ऊपर डैमेज ज्यादा पड़ेगा, जो कि रसिंग के टाइम पे आपके काफी काम आने वाला है। यहाँ पर आपको अगले स्लॉट के अंदर लूना की एबिलिटी को ऐड करना है, जो कि बेसिकली आपके रेट ऑफ फायर और मूवमेंट स्पीड को इंक्रीज कर देती है। तो अगर आप लोग अपने कॉम्बिनेशन के अंदर हयातो और लूना को साथ में यूज करोगे, तो एनिमीज के ऊपर डैमेज ज्यादा पड़ेगा और ज्यादा तेजी से पड़ेगा, जिससे कि एनिमीज जल्दी डाउन हो जाएंगे। और एंड में लास्ट वाले स्लॉट के अंदर आपको यूज करना है जे बीप्स की एबिलिटी को, जो कि ईपी का यूज करके आपके ऊपर आने वाले डैमेज को 12% ब्लॉक कर देगा, मतलब कि आपके ऊपर 12% डैमेज कम पड़ेगा। सो अब जो हमारे पास अगला कॉम्बिनेशन है वो एक ऑलराउंडर कॉम्बिनेशन है, मतलब कि अगर आप लोग शॉर्ट रेंज फाइट और लॉन्ग रेंज फाइट दोनों ही करते हो, तो अपडेट के बाद आपको वुकोंग के साथ सबसे पहले वाले स्लॉट के अंदर यूज करना है एंटोनियो की एबिलिटी को। एंटोनियो को यूज करने के बाद भले आप लोग शॉर्ट रेंज फाइट करो या फिर लॉन्ग रेंज फाइट करो, वहां पर अगर आपका एचपी 200 की जगह 230 का होगा, तो मेरे ख्याल से तो भाई कोई बुराई नहीं है, इससे आपको अल्टीमेटली बेनिफिट ही मिलेगा। तो इसलिए आपको फर्स्ट स्लॉट के अंदर एंटोनियो को ऐड करना है, और अगले स्लॉट के अंदर ऐड करना है आपको वुल्फ्रा की एबिलिटी को, जो कि बेसिकली आपका डिफेंस और रस दोनों करवा देगा। अगर आपके पास वुल्फ्रा की एबिलिटी होगा, तो एनिमी जो भी हेडशॉट आपको मारेगा उससे आपको डैमेज कम पड़ेगा, वहीं जब आप एनिमी को हेडशॉट मारोगे, वन टैप वगैरह मारोगे, तो एनिमीज के हेड के ऊपर डैमेज ज्यादा पड़ेगा। इसको डाउन करने के लिए, इजीली डाउन करने के लिए हेडशॉट जितना मैटर करता है, उतना ही बॉडी शॉट भी मैटर करता है। इसीलिए गाइस आपको अपने लास्ट वाले स्लॉट के अंदर ऐड करना है लूना की एबिलिटी को, जिससे भले आप लोग शॉर्ट रेंज फाइट करो या फिर लॉन्ग रेंज फाइट करो, हेडशॉट मारो या फिर बॉडी शॉट मारो, लेकिन आपका जो एनिमी है ना वो इजीली डाउन हो जाएगा। सो अगर आप लोग ऑलराउंडर गेम प्ले करते हो, साथ में वुकोंग कैरेक्टर को यूज करने का सोच रहे हो, तो भाई आफ्टर अपडेट ये वाला कॉम्बिनेशन आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। सो अब जो हमारे पास अगला कॉम्बिनेशन है वो एक सपोर्टर कॉम्बिनेशन है, मतलब कि अगर आप लोग लॉन्ग रेंज फाइट ज्यादा करते हो या फिर लॉन्ग रेंज से सपोर्ट प्रोवाइड करते हो, तो वहां पर आपको यूज करना है वुकोंग के साथ राफेल, मारो प्लस मोको को। अब यहाँ पर सबसे पहले जो राफेल की एबिलिटी है, उसके मदद से अगर आप लोग मार्क्समैन राइफल या फिर स्नाइपर्स का यूज करते हो, तो उसके अंदर साइलेंसर लग जाता है, और उससे अगर आप लोग किसी भी एनिमी को डाउन करते हो, तो वो जल्दी फिनिश हो जाते हैं, जो कि सपोर्टर्स के लिए काफी बेनिफिशियल है। तो उसके लिए लॉन्ग रेंज के अंदर से एनिमी को डाउन करके जल्दी से कंप्लीट करने के लिए जो राफेल की एबिलिटी है वो सबसे बेस्ट है। और लॉन्ग रेंज के अंदर से एनिमी को जल्दी डाउन करने के लिए यहाँ पर आपको मारो का एबिलिटी मिल जाता है, जिससे कि लॉन्ग रेंज के अंदर से एनिमी को 25% डैमेज ज्यादा पड़ेगा। यानी कि अगर आप लोग राफेल के साथ मारो के एबिलिटी को यूज करोगे, तो आप लोग एनिमीज को लॉन्ग रेंज के अंदर से साइलेंटली और ज्यादा डैमेज देकर एनिमीज को जल्दी खत्म कर सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको मोको की भी एबिलिटी मिल जाती है, जिससे कि अगर आप लोग किसी भी एनिमी को डैमेज दोगे, तो उसके ऊपर एक मार्क आ जाएगा, और वो जहां भी मूव करेगा उसका लोकेशन आपको और आपके सभी टीममेट्स को दिखेगा, जो कि आपके लिए या फिर आपके टीममेट्स के लिए शॉर्ट रेंज या फिर लॉन्ग रेंज के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। सो ओवरऑल अगर आप लोग एज अ सपोर्टर खेलते हो, मतलब लॉन्ग रेंज फाइट ज्यादा करते हो या फिर शॉर्ट रेंज के अंदर अपने टीममेट को सपोर्ट प्रोवाइड करने जाते हो, तो ये वाला कॉम्बिनेशन आफ्टर अपडेट आपके लिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है। तो अब जो आज का हमारा आखिरी कॉम्बिनेशन है, वो भी अगेन एक रसिंग कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वुकोंग कैरेक्टर को मैक्सिमम रसर्स लोग ज्यादा यूज करते हैं, तो इसलिए इस वीडियो के अंदर मैंने रसिंग के दो कॉम्बिनेशन रखा है। तो अगर आपको पहला वाला कॉम्बिनेशन पसंद नहीं आता है, तो आप लोग दूसरा वाला कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। इस वाले कॉम्बिनेशन के अंदर आपको वुकोंग के साथ यूज करना है सबसे पहले वाले स्लॉट के अंदर हयातो की एबिलिटी को, सेकंड वाले स्लॉट के अंदर आप लोग ओथो यूज कर सकते हो, और लास्ट वाले स्लॉट के अंदर आपको यूज करना है जोसेफ की एबिलिटी को। अभी यहां पर क्योंकि आपके पास जोसेफ की एबिलिटी है, तो आपके ऊपर ना मोको की एबिलिटी काम करेगी, ना ओथो का एबिलिटी काम करेगा, ना होमर का एबिलिटी काम करेगा, ना A124 का एबिलिटी काम करेगा, और ना ही राइडन का एबिलिटी काम करेगा। तो अगर आप लोग जोसेफ की एबिलिटी को अपने कॉम्बिनेशन के अंदर रखोगे, तो आप अपने फाइट को बिना किसी रुकावट के और बिना किसी प्रॉब्लम के कंटिन्यू कर पाओगे, जो कि एज अ वुकोंग यूजर आपके काफी काम आएगा। ओथो के एबिलिटी को यूज करते हो और किसी भी एनिमी को डाउन करते हो, तो डाउन करने के बाद उस एनिमी के आसपास और कोई एनिमी है या फिर नहीं है, इसके लोकेशन को पता करने के लिए या फिर उनके मूवमेंट स्पीड को स्लो करने के लिए आप लोग ओथो के एबिलिटी को यूज कर सकते हो, जो कि अगेन रसिंग के टाइम पे आपके काम आएगा। सो ये थे गाइस वुकोंग कैरेक्टर के चार बेस्ट कॉम्बिनेशंस, जिनमें से आप लोग किसी भी कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हो अपने रोल के अकॉर्डिंग।